आज से भीष्म पंचक स्नान प्रारंभ हो गए। कार्तिक शुक्ला एकादशी जो आज सबसे बड़ी एकादशी है। करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र पुष्कर सरोवर में शुक्रवार को देव प्रबोधनी एकादशी के मौके पर हजारों श्रद्धालुओं ने पंचतीर्थ का पहला स्नान कर धर्म लाभ कमाया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर की पूजा अर्चना कर जगत पिता ब्रह्मा मंदिर सहित दूसरे मंदिरों के दर्शन किए। वहीं पुष्कर के घाटों, मंदिरों और बाजारों में भीड़ देखने को मिली। एकादशी स्नान के साथ ही पुष्कर का पंचदिवसीय सालाना धार्मिक मेला प्रारंभ हो गया है, जिसका समापन 8 नवंबर को सरोवर में कार्तिक पूर्णिमा पर होने वाले महास्नान के साथ होगा। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से माकुल इंतजाम किए गए हैं। घाटों, मंदिरों समेत चप्पे चप्पे पर पुलिस एवं सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं तथा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा पुष्कर मेले में आने वाले तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों के लिए माकुल इंतजाम किए गए हैं। शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। शुक्ला एकादशी जिसको देव प्रबोधनी एकादशी कहते हैं और जिसको देव उठनी ग्यारस भी कहते हैं, आज से भीष्म पंचक स्नान प्रारंभ हो गए। कार्तिक शुक्ला एकादशी जो आज सबसे बड़ी एकादशी है, आज से सहनाइयाँ गूंजेगी, मंगल गीत होंगे, शादी ब्याह प्रारंभ होंगे। आज बहुत बड़ी एकादशी और इस दिन कहते हैं कि स्वयं भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ पुष्कर राज की इस पवित्र भूमि पर पधारते हैं और 33 करोड़ देवी देवता यहाँ 5 दिन तक रहते हैं। ऐसा पद्म पुराण और षष्ठी खंड में लिखा हुआ है कि 360 दिन पुष्कर राज अंतरिक्ष में विराजते हैं और 5 दिन पुष्कर राज जल रूपी नारायण में विराजमान रहते हैं। आज हजारों की संख्या में लोग यहाँ पुष्कर राज में सरोवर में डुबकी लगा रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा करके अपने धर्म पुण्य कमा रहे हैं, ब्रह्मा जी के दर्शन कर रहे हैं और आज से 5 दिन का ये बहुत बड़ा पुण्य का पंचतीर्थ योग बना हुआ है। सज्जनों, धार्मिक जनों, आज से पुष्कर राज में पंचतीर्थ स्नान आरंभ हो गया है, इसको पंचतीर्थी कहते हैं। सतयुग में ब्रह्मा ने पुष्कर राज में आज ही के दिन से यज्ञ आरंभ किया था जो 5 दिवस चला था, एकादशी से पूर्णमासी तक। उस यज्ञ के उपलक्ष में प्रतिवर्ष पुष्कर राज का स्नान का विशेष माध्यम बताया गया है। इन 5 दिनों में सभी तीर्थ, सभी नदियाँ, सभी देवता, सभी ऋषिगण कहते हैं तो पुष्कर में निवास करते हैं, इसलिए 5 जो दिवस है एकादशी से पूर्णमासी। और वैसे भी आज हरि प्रमोदिनी एकादशी है, यानी आज के दिन देवता निद्रा से उठ करके और पृथ्वी का संचालन का कार्य आरंभ करते हैं, इसलिए आज से जितने भी शुभ कर्म हैं वो आज के दिन से आरंभ हो जाते हैं। विशेष करके पुष्कर में आज के दिन पितरों का श्राद्ध, तर्पण, उनके निमित्त धान्य पुण्य आदि किया गया अक्षय फल को प्राप्त होता है और पितृ ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। बोलो पुष्कर राज महाराज की। शादी ब्याह, किसी भी प्रकार के हवन पूजन की सामग्री के लिए चले आइए दिव्य ट्रेडर्स। हमारे यहाँ हवन पूजन और कर्म कांड से जुड़ी सभी प्रकार की सामग्री वाजिब दामों पर मिलती है। साथ ही घर और किचन की साफ सफाई के लिए क्लीनिंग आइटम भी उपलब्ध, तो आज ही संपर्क करें फ्री होम डिलीवरी के साथ। दिव्य ट्रेडर्स, सेंट जॉन्स स्कूल के सामने वाली गली, ब्लू कैसल, अजमेर। 8769033139। अगर नया वाहन खरीदना है तो चले आइए बत्रा बैटरी शोरूम, जहां आपको मिलेंगे नए मॉडल के इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, साथ ही होप बैटरी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर अलग अलग कलर के साथ मेटालिक रंगों में उपलब्ध, साथ ही वाहनों के लिए सर्विस सेंटर भी उपलब्ध, तो देर ना करें, आज ही संपर्क करें। बत्रा बैटरी, भगवानगंज चौराहा, अजमेर। 9571204206।